बिहार सरकार ने एक अनोखी पहल शुरू की है, भ्रष्टाचारियों को पकड़वाओ और 50,000 का इनाम पाओ। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर बिहार सरकार का की जो ये पहल है वह किस तरीके से देखते हैं, ये बताइए इस पहल को कैसे देखते हैं। देखिए, बहुत ही सराहनीय पहल है आदरणीय नीतीश कुमार जी। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी समझौता ना किए हैं ना आगे भविष्य में करेंगे। बतौर 15 साल के मुख्यमंत्री में उनकर ऊपर एक रुपया का कोई आरोप नहीं लगा सकता भ्रष्टाचार पर। जबकि वहीं दूसरी ओर देखिए, वो राजनीति में आते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, धन संपत्ति अर्जित करने के लिए है। और बहुत ही खुशी की बात है, भ्रष्टाचारियों पर हमेशा वो लगाम लगाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग के DNA में ही भ्रष्टाचार घुस गया है। उसको खत्म कोई कैसे कर सकता है? कोई भगवान भी खत्म नहीं कर सकते हैं। जब तक वह खुद नहीं सुधारना चाहेगा, कोई कैसे खत्म करेगा? आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, 2 से 3 भ्रष्टाचारी डेली पकड़ाते हैं, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह भ्रष्टाचार को कम किया जाए, और निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचारियों के दिलों में ये डर पैदा होगा कि हम पकड़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़ाएंगे। मैडम, ये बताइए, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि बिहार सरकार ने भ्रष्टाचारियों के सामने सरेंडर कर दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब पब्लिक जो करे। नहीं तो इसमें पब्लिक का भी एक अहम योगदान है कि जहाँ भी है तो उसको भी जागरूक रहना है, और जागरूक रह के जो भी गलत हो रहा है उसके प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप भी साथ दे रहे हैं भ्रष्टाचारियों को, तो आवाज़ उठाना चाहिए। अभी चल के आप देख सकते हैं मेरे साथ कि सरकार कितने कितने अरबों रुपया खर्च करती है मेंटेनेंस के लिए, रोड के लिए, पानी का जो पाइपलाइन आ रहा है हर जगह पानी का। पटना शहर में आप कहीं भी जाइएगा, हर रोड में आपको 4-5 पाइपलाइन टूटा मिलता है। इसको मेंटेनेंस के लिए सरकार पैसा देती है। हम स्कूटी इंजीनियर को फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा। 3 महीना से अभी मैं एक पाइपलाइन बंद करने के लिए कह रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं तो मेरे घर चलिए और देखिए कि अभी भी बिना बरसात का रोड पर भर घुटना पानी है। हम लोग 15 साल नीतीश कुमार का सरकार, उसके बाद भी जो भ्रष्टाचार है वह काफ़ी बढ़ा है बिहार में, इस बात को मानते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने वाले एकमात्र नेता नीतीश कुमार बिहार में नहीं देश दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने जिस प्रकार RTI का और लोक शिकायत का, और उन्होंने वो जो है बेईमानों के घर को जब्त करके उसमें गरीबों के बच्चों के लिए, झुंगी झोपड़ी के बच्चों के लिए विद्यालय खोलने का काम किया, ये बताता है कि हमारे नेता भ्रष्टाचार, कम्युनिज्म और करप्शन से समझौता न कभी किए हैं न करेंगे। उन्होंने कभी भी इसके लिए, चाहे वो कुर्सी रहे या जाए, उनको जनता 11 करोड़ आवाम का चिंता रहता है, और उसके लिए हर दिन नित दिन नया प्रयास करते रहते हैं, और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। आज आपको नहीं लगता पिछले 15 सालों में भ्रष्टाचार बढ़ा है बिहार में? जी नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस। अगर नहीं बढ़ा तो ऐसी नौबत क्यों आई कि सरकार को फैसला लेना पड़ा कि जो भी भ्रष्टाचारियों को पकड़वाएंगे उनको 50,000 इनाम मिलेगा? तो हम लोग के साथ, सरकार के साथ अगर जनता साथ देगी तो ऑटोमेटिक है कि पकड़ा जाएगा, करप्शन नहीं होगा। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं, तो अकेले नहीं ना होगा जब तक जनता साथ नहीं देगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा इसमें। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अहम रोल, आज से नहीं 15 साल से भ्रष्टाचार पर रोक लगा रहे हैं, करप्शन पर रोक लगा रहे हैं, कितने भ्रष्टाचारियों पकड़ा रहे हैं जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो इस पहल को मैं बहुत, जनता ने सरकार को चुना, अब सरकार कह रही है कि जनता आप भ्रष्टाचारियों को पकड़िए, हम आपको 50,000 का इनाम देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम लोगों में जागरूकता तो आएगी कि वो कम से कम जो ले रहा है और जो दे रहा है उसके लिए भी, क्योंकि वो तो उसको बढ़ावा दे रहा है, और जो बाकी लोग हैं उनको परेशानी हो रही है जिनका काम मान लिए समय पर नहीं होता है। जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार जी की, स्टॉप अगेंस्ट करप्शन, बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इसकी नौबत तभी आई ना जब बिहार में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है। जी भैया, लेकिन मतलब नीतीश कुमार का शुरू से पॉलिसी रहा है कि मतलब हम लोग ये बताइए, अगर बिहार में भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता तो आज ऐसी नौबत नहीं आनी रहती और ना ही आती जो सरकार को यह कहना पड़ता कि आप भ्रष्टाचारियों को पकड़वाइए, हम आपको 50,000 देंगे। नहीं, बहुत अच्छा नियम लगाए हैं कि हर एक कोई उसका स्वागत करता है। पब्लिक को भी ये जागना पड़ेगा कि घूस ना दे। बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस बात को मानते हैं? बिल्कुल बढ़ा है। जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री का जिस तरह जो पहल हुआ, घुसखोरों के दिल में खौफ रहेगा कि अगर आज आने वाले समय में अगर हम घूस लेते पकड़ा गए तो हमारे युवा जो सेना है वो हमेशा पहल पर रहेंगे। इस पहल से यह भी साबित होता है कि सरकार
नाकाम है, सरेंडर कर गई है भ्रष्टाचारियों के सामने? ऐसा नहीं है, जनता को, जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी ये प्रोग्राम किया गया है, क्योंकि जनता को पता चले कि हमारे सरकार मेरे लिए और जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है। तो ये जनता को भी जागरूक एक तरीके से किया जा रहा है कि उनको पता हो कि सरकार मेरे लिए भ्रष्टाचारी पे आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमारे साथ कई लोग थे, उनका कहना था कि निश्चित रूप से सरकार की जो यह पहल है यह काफ़ी अच्छी है और इस पहल के कारण बिहार में जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर जरूर अंकुश लगेगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।